नमस्कार, मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यू। यूपी के बिसात यानी सबका सब कुछ दाव पर, चार चेहरे खास तौर से उभर कर सामने आएंगे। अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी। सबका सब कुछ दाव पर होगा और इस गांव के आश्रय आने वाले वक्त में सियासत की मोटी लकीर इस देश के अंदर खींचेगी, जो बताएंगे कि सामाजिक समीकरण से क्या सच में चुनाव जीता जा सकता है। वो ये भी बताएगी कि इस देश के जमीनी मुद्दे जो लोगों के पेट से जुड़े हैं, जो लोगों के रोजगार से जुड़े हैं, क्या वो भी कोई मायने रखते हैं। इस बिसात का मतलब ये भी है कि जब ताकत आपके पास होती है तो फिर आप चुनाव को मैनेज कर सकते हैं, यानी चुनाव में जीत अपने अनुकूल कर सकते हैं, ये भी मैटर करेगा। इतना ही नहीं, पैसा भी मायने रखेगा और ताकत का एहसास राजनीतिक दल अपने समीकरणों के आश्रय जीत का सहरा पहनेंगे, या फिर सियासी ताकत का मतलब होगा कि तमाम संवैधानिक संस्थानों को सत्ता पाने के लिए अपने अनुकूल कर लेना, यानी ऐसे बिसात जो देश में लोकतंत्र की असल परिभाषा को उत्तर प्रदेश में ही बताएगी। गड़ी तो पहले जा चुकी है लेकिन बताएगी अब। लेकिन इस बिसात का एक मतलब ये भी है कि यहाँ से जो मुद्दे निकलकर चुनावी जीत के साथ यानी जनादेश के आश्रय सामने आएंगे, वो आने वाले वक्त में भारत की सियासी तकदीर को लिख देंगे। वो बता देंगे कि इस देश के भीतर 2024 में क्या होने वाला है। तो हमें लगता है कि आज एक एक पन्नों को इसलिए टटोलिए क्योंकि इस दौर में कहा जाता है कि चुनाव मैनेज हो जाता है, चुनाव में मुद्दे मायने नहीं रखते, चुनाव के भीतर सामाजिक समीकरण मायने नहीं रखते, चुनाव के भीतर गठबंधन भी मायने नहीं रखता, मैटर करता है यानी मायने रखता है तो सत्ता और उसकी ताकत। उसके साथ पैसा भी होता है, जिसका खुला नजारा पंचायत चुनाव के वक्त हर किसी ने देख लिया। दरअसल चुनाव परिणाम जो पंचायत अध्यक्षों को लेकर हुए, ऐसा रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में कभी नहीं बना जो इस बार बन गया। लेकिन जैसे ही मैनेज करने का शब्द सामने आता है, उसके साथ साथ कुछ पन्नों को और साथ में जोड़ते चले जाइए। याद कीजिए कि इस देश के भीतर में मंडल आंदोलन और उससे निकलने वाले नेताओं की एक फौज जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी सत्ता को पाने के लिए बेचैन नजर आई थी। अपनी सत्ता का मतलब था अपनी जाति की सत्ता, और जाति को ही उन्होंने अपने प्रदेश के क्षत्रप के तौर पर यहाँ पर गद्दी पर बैठकर इसका एहसास करा दिया कि इनकी ताकत राष्ट्रीय दलों से कहीं ज्यादा है। लेकिन वक्त का पहिया 30 साल तक घूम चुका है, तो क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में पहली बार ऐसी परिस्थिति आ रही है? यहाँ क्षत्रप और उनकी पूरी उम्र चली गई है, क्या फिर छत्रप सही मायने में डिक्टेट करेंगे और आने वाले वक्त में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में भी और छोटे मोटे समुदाय, छोटे छोटे जातियों में सिमटे हुए समुदाय, वो भी गठबंधन के आश्रय अपनी ताकत का एहसास क्या वाकई उत्तर प्रदेश की सियासत को करा पाएंगे इस चुनाव में? तो आइए शुरुआत उसी दिशा से कर लेते हैं जो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में नजर आया, जिससे एक नई तरीके की इबारत लिख डाली। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली, और ये जीत ऐसे मौके पर मिली जब राज्य के विधानसभा के चुनाव में महज 7 महीने बचे हैं। यही वजह है कि इस जीत के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक से बधाइयां मिली थी। हालांकि ये चुनाव बीजेपी की जीत से ज्यादा इस वक्त इसलिए चर्चा में है क्योंकि चुनावी प्रक्रिया के दौरान राज्य के अलग अलग जिलों में हिंसा और जोर जबरदस्ती की खबरें आई थी। विपक्ष ने इसे लूट तंत्र करार दिया, तो सरकार का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सूबे के 75 में से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटें जीतकर संदेश देने की पूरी कोशिश की है। वहीं सपा को अपने परंपरागत वोट यादव पर ही दाव खेलना महंगा पड़ गया। वहीं बीजेपी से भले ही सबसे ज्यादा ठाकुर जीत कर आए हो, पर अरंगों के साथ ओबीसी और दलित समाज के बीच जातीय संतुलन बनाने में कामयाब रही है। ऐसे में विपक्ष के लिए और मुश्किल इस वक्त खड़ी हो सकती है जब बीजेपी जिला पंचायत जैसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर 2022 का चुनावी मैदान में उतरती है। ऐसे में सपा के सत्ता में वापसी तो दूर,
अपने कोर वोट बैंक को बचाए रखना भी मुश्किल होगा। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष का सियासी समीकरण। यूपी जिला पंचायत में बीजेपी ने 67 जिला पंचायत सीटें जीती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 25 सवर्ण समुदाय से जीत कराई हैं। इनमें 15 ठाकुर और 6 ब्राह्मण, 2 भूमिहार और 2 वैश्य समाज से जीते। वहीं ओबीसी समुदाय से 6 कुर्मी, 8 जाट, 4 यादव, 3 गुज्जर और 2 लोध जीते हैं। इनके अलावा चौरसिया, लोहार, कश्यप, मौर्य और शाक्य समाज से 1-1 जिला पंचायत अध्यक्ष चुन कर आए। इनके अलावा 15 दलित समाज से बीजेपी के टिकट पर जिला पंचायत अध्यक्ष बने, जिनमें सबसे ज्यादा पारसी, धोबी और कोरी समाज से जीत कर आए। सपा के सभी 5 जिला पंचायत अध्यक्ष यादव समुदाय से ही जीते हैं। बीजेपी के कुर्मी जिला पंचायत अध्यक्ष, ऐसे में देखा जाए तो पूर्वांचल में पिछड़ों में कुर्मी भी यादवों की तरह काफी ताकतवर हैं, जिस पर पार्टी की नजर बनी रहती है। बीजेपी अपनी ओर खींचने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष का भी चेहरा आगे करती रही है। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बस्ती में पार्टी ने मजबूत कुर्मी नेतृत्व को आगे किया है। यूपी में 8 कुर्मी जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं, जिनमें से 6 बीजेपी और इसके सहयोगी अपना दल ने जीती हैं। वहीं एक कुर्मी समुदाय के कैंडिडेट ने राजा भैया की पार्टी से प्रतापगढ़ से जीत दर्ज की है। महाराजगंज, बस्ती, बरेली, बांदा में बीजेपी ने कुर्मी सांसद होने के बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भी इसी वर्ग को बैठाने के पीछे मकसद इस बड़े वोट बैंक को पार्टी के साथ मजबूती से बनाए रखना है। इनके अलावा अंबेडकर नगर और ललितपुर में कुर्मी समुदाय को बीजेपी से जीत दर्ज की गई है, जबकि अपना दल से सोनभद्र में कुर्मी जिला पंचायत अध्यक्ष बना है। ऐसे ही पिछड़ों में संख्या और सियासी महत्व के नजरिए से बीजेपी अति पिछड़े समुदाय से आने वाली तमाम जातियों को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाकर राजनीतिक रूप से बड़ा संदेश देने की कवायद में है। वाराणसी में पूनम मौर्य, कन्नौज में प्रिया शाक्य, कासगंज में रत्नेश कश्यप, चंदौली से दीनानाथ शर्मा ने जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी के टिकट पर 4 जिला पंचायत अध्यक्ष यादव समुदाय से भी चुनकर आए हैं, जो फर्रुखाबाद, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर से जीते हैं। इसी तरह से बीजेपी ने सपा के कोर वोट बैंक को भी साधने का बड़ा दांव चला है। वहीं दूसरी तस्वीरें ये भी हैं कि पश्चिम यूपी में किसान आंदोलन के चलते जाटों की बीजेपी के प्रति नाराजगी की बात कही जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से 8 जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही है, उसके जरिए बड़ा सियासी संदेश दिया है। बीजेपी के टिकट पर मथुरा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर और नोएडा में जाट समुदाय के जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा पीलीभीत में भी सिख जाट ने जीत दर्ज की है। बीजेपी ने जाट के साथ साथ गुज्जर समुदाय का समीकरण बनाने में कामयाब रही है। वहीं हापुड़, अमरोहा और शामली में गुज्जर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। पश्चिम यूपी में जाट और गुज्जर दोनों ही काफी अहम वोटर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो ये रिपोर्ट आपको दर्शाती है कि यूपी में बीजेपी सत्ता के दम पर मजबूत पकड़ के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और जातिगत समीकरण को भी साधेगी। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि यूपी चुनाव 2022 में बीजेपी किन किन दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारेगी और यूपी के मुखिया किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव में अब 7 महीने से भी कम का वक्त बचा है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सत्ता में बने रहने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 में से 300 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व की ओर से तमाम प्रयास कर रही है। रणनीतियां बन रही हैं, सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं। हालांकि सियासी गलियारों में आवाज ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये तीनों वर्तमान में विधान परिषद सदस्य हैं और इनका कार्यकाल
सितंबर 2022 में खत्म हो रहा है। बीजेपी की कोशिश तीनों को चुनावी अखाड़े में उतारकर आसपास की विधानसभा सीटों को साधने की है। सुना तो ये भी जा रहा है सीएम योगी अयोध्या सीट से 2022 का चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू और डॉक्टर दिनेश शर्मा को लखनऊ पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसी तरह कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह को भी प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से मैदान में उतारने की पूरी तैयारी है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बुंदेलखंड में किसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 18 सितंबर 2017 को वो विधान परिषद सदस्य बने। इसी तरह केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी 19 मार्च 2017 को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और सितंबर 2017 से विधान परिषद सदस्य हैं। डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह 2012 से लगातार विधान परिषद के सदस्य हैं और स्वतंत्र देव सिंह ने सितंबर 2017 में विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली थी। ऐसे में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। बसपा ने जहां अकेले चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की है, वहीं समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन कर लिया है। सपा की तैयारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और अन्य छोटे दलों के साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरने की है। कांग्रेस ने भी गठबंधन को लेकर अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने गठबंधन से इनकार भी नहीं किया है। ऐसे में यूपी सत्ता चुनावी समर में क्या गुल खिलाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चाचा भतीजे के रिश्ते में नई कुलीघाट तो रिपीट हो सकता है 2017। जी हां, जहां यूपी में बीजेपी मिशन 2022 को साधने में जुटी हुई है, वहीं तमाम विपक्षी दल भी यूपी में अपना वोट बैंक साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन नजर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव परिवार में पड़ी फूट पर डाल लेते हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजे की गठबंधन की उम्मीद कम ही है। भतीजे से गठबंधन का कोई संकेत नहीं मिलने से चाचा ने जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सभी सियासी दल शतरंज की बिसात बिछा रहे हैं। सियासी दल सत्ता पर काबिज होने के लिए गठबंधन भी कर रहे हैं और वहीं चुनाव से पहले सबकी नजरें चाचा भतीजे के गठबंधन पर टिकी हैं, क्योंकि राज्य के सबसे बड़े सियासी यादव परिवार में अभी तक कोई गठबंधन के संकेत नहीं मिले हैं। जहां चाचा शिवपाल सिंह यादव गठबंधन के लिए तैयार हैं, वहीं भतीजे अखिलेश यादव की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नहीं है। वहीं यूपी की सियासत को समझने वालों की माने तो चाचा भतीजे के बीच गठबंधन नहीं हुआ तो एक बार फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी पीएसपी सपा का खेल बिगाड़ सकती है और उत्तर प्रदेश में 2017 रिपीट हो सकता है। दूसरी ओर पीएसपी का दावा है कि वो किंग मेकर की भूमिका में होगी और इसके बिना कोई भी राजनीतिक दल सरकार नहीं बनाएगी। यदि हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के गठबंधन की बात करें या समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करें तो ये गठबंधन इन दोनों पार्टियों के लिए फायदे का सौदा रह सकता है। और वैसे भी इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी दूसरे दलों जैसे राष्ट्रीय लोकदल या दूसरे कई छोटे दलों से गठबंधन की बात कर रही है। ऐसे में मुझे लगता है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी शिवपाल सिंह यादव जी की जो पार्टी है उसके साथ गठबंधन का समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है। परिवार में जो फूट है वो भी एकजुट हो सकती है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखा जो मुलायम सिंह यादव का परिवार था उसमें से कई बड़े नेता, खुद अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव भी चुनाव हार गई थी, तो मुझे लगता है कुल मिला के शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का साथ आना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर ये दोनों लोग साथ नहीं आते हैं तो दोनों पार्टियों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा।
बीएसपी प्रमुख शिवपाल सिंह यादव लंबे समय से सपा के साथ गठबंधन का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सपा और बीएसपी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव से गठबंधन के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, जबकि सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव चाचा भतीजे मिलकर चुनाव लड़े ऐसा चाहते हैं। बताया जा रहा है कि शिवपाल सिंह की तरफ से कई बार इसके लिए कोशिशें भी की गई, लेकिन सपा की तरफ से साफ कह दिया गया कि जब तक प्रसपा का सपा में विलय नहीं हो जाता है तब तक इस मुद्दे पर बात नहीं की जा सकती। हालांकि अगर दोनों पार्टियों की बात की जाए तो फिलहाल दोनों ही पार्टी के जो नेता है वो ज्यादा एक्टिव नहीं दिखते है। जहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो नेता है इक्का दुक्का स्थानों पर दिख जाते हैं, छोटे मोटे धरने प्रदर्शन करते दिख जाते हैं। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी की बात की जाए, जिस तरीके से प्रदेश में एक राजनीतिक रीजनल यानी कि प्रदेश का बड़ा दल है, उस तरीके की एक्टिवनेस नहीं नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहे हैं और जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियों को एक्टिव होना चाहिए था और अभी शायद वो एक्टिवनेस नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये मान लिया जाए अगर गठबंधन नहीं होता है तो शायद यही सुस्ती बनी रहेगी, और शायद अगर गठबंधन हो जाता है तो दोगुनी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मैदान में उतरेगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले चाचा शिवपाल यादव वही नेता है जो समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में अपने भाई के साथ रहे, नेताजी के साथ रहे और कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पार्टी इस पार्टी को खून से सींचने का काम किया। हालांकि भले ही पार्टी को प्रदेश के अंदर फिलहाल विजय ना मिली हो, लेकिन जिस तरीके से दोनों अलग अलग हुए उसके बाद ही यह है सारा गठबंधन के बाद जो गठबंधन नहीं हो पाया उसके बाद ये पराजय हाथ लगी। लेकिन अगर दोनों चाचा और भतीजे साथ आते हैं और लोकदल भी साथ मिलती है तो शायद आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें कुछ कमाल कर दिखाएं। हालांकि दूसरी अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी भी ताल ठोक रही है, समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की बात कर रही है। हालांकि अभी इस तरह की कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन अंदर खाने बताया जा रहा है कि दलित वोट बैंक को खिसकाने की कोशिश करने के साथ ही आजाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की जो पार्टी है वो दलित वोट बैंक को खिसका करके सपा और लोकदल में शामिल करने की कोशिश की जाएगी, जिससे प्रदेश में तीनों मिलकर के या फिर चाचा अगर साथ आते हैं तो प्रदेश में चार गुना ताकत से मिलकर के भाजपा का मुकाबला ये लोग करेंगे। लेकिन ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, अगर ये कयास भविष्य में साबित होते हैं तो शायद कुछ हो जाए, लेकिन अगर ये कयास रहेंगे तो शायद आने वाले समय में भाजपा की मजबूती को देखते हुए विपक्ष ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। अपने सहयोगी बाबर चौहान के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ। चलिए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर गठबंधन में गांठ क्या है। बीएसपी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन बनाने को तैयार हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से गठबंधन का कोई संकेत नहीं है। इन नेताओं का कहना है कि बीएसपी और सपा के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन गठबंधन क्यों नहीं हो रहा इसके लिए पार्टी नेतृत्व ही कारण बता सकता है, क्योंकि अभी भी शिवपाल सिंह यादव विधानसभा में सपा के सदस्य के तौर पर हैं। ना ही अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को पार्टी से बाहर किया है, यानी इसका मतलब साफ है कि भविष्य में बेहतर रिश्तों की गुंजाइश रखी है। वहीं शिवपाल भी अखिलेश के साथ चुनावी गठबंधन चाहते हैं, लेकिन यादव परिवार में एक नेता दोनों के बीच रिश्तों को मजबूत नहीं होने देना चाहता है, इसका जिक्र कई बार शिवपाल सिंह यादव कर चुके हैं। जानकारों का मानना है कि यूपी की राजनीति जातिगत समीकरण पर आधारित है। अगर विधानसभा चुनाव में सपा और बीएसपी का गठबंधन नहीं होता है, इस स्थिति में अगर सभी विधानसभा सीटों पर बीएसपी मैदान में प्रत्याशी उतारती है तो फिर सपा को सबसे ज्यादा नुकसान हो। ऐसे में अब वाराणसी में सावन के महीने में राजनीतिक रंग चढ़ता भी दिख रहा है। दरअसल जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे के बाद से ही उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। बीजेपी से नाराज हिंदू वोटर्स को खुश करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी बाबा विश्वनाथ की चौखट पर जाने का फैसला कर लिया है, और जल्द ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव काशी का दौरा करेंगे और बाबा के दर्शन के साथ यूपी को साधने की कवायद तेज करेंगे। देखिए की रिपोर्ट।
वैसे सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि सावन में भी बाबा का आशीर्वाद और जनता का स्नेह उन्हीं के साथ रहेगा। बीजेपी का मानना है कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद उन्हीं के साथ है। इस बार प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले सभी दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, सभी सावन में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। हालांकि अभी तीनों नेताओं के आने की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि इस बार सावन के महीने में अलग अलग राजनीतिक दलों के ये नेता हिंदू वोटर्स को खुश करने के लिए शिव आराधना के लिए काशी पहुंचेंगे। सभी विपक्षी पार्टी बाबा विश्वनाथ के मंदिर से ही बीजेपी और मुख्यमंत्री को घेरने का काम करेंगी। वाराणसी के कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष कहते हैं कि प्रियंका गांधी जब भी वाराणसी आती हैं तो वो बाबा का दर्शन जरूर करती हैं। ऐसे में इस बार सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूर्वांचल से चुनावी अभियान का आगाज करेंगी और 2022 हमारा ही होगा। इसके अलावा दर्शन पूजन करने के साथ ही प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गांवों में रहने वाले कांग्रेस के पुराने नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कहती है कि यदुवंशियों का संगठन काशी विश्वनाथ दल साल 1952 से सावन के पहले सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करता चला आ रहा है। बीते दिनों दल के जंतुलेश्वर यादव लखनऊ जाकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को यदुवंशियों के जत्थे में शामिल होकर श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करने का न्योता दिया गया था। इसीलिए इस बार सावन में अखिलेश बाबा के दरबार में मत्था टेकने आ रहे हैं। हालांकि इसे विरोधी राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, पर अखिलेश भक्ति भाव से वहां जाएंगे। ये अलग बात है कि इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी और यूपी का विजय रथ भी शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चलिए अब जब यूपी की राजनीति की बात की है तो कर्नाटक की बात भी कर ही लेते हैं। दरअसल कर्नाटक में आज से नए मुख्यमंत्री बसवराज एस बोमोई का शासन चलेगा। बसवराज बोमोई ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। शपथ लेने से पहले बोमोई ने अपने दिन की शुरुआत कुछ नेताओं के साथ बालाब्रियू गेस्ट हाउस के पास अंजनेय मंदिर में जाकर की और भगवान का आशीर्वाद किया। इसके अलावा राजभवन में भी जब वो शपथ लेने के लिए मंच पर जा रहे थे तब उन्होंने बीएस येदियुरप्पा का आशीर्वाद भी लिया था। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे देने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने बसवराज एस बोमोई को विधायक दल के नेता के रूप में चुन लिया है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की अगुवाई में मंगलवार को बेंगलुरु में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें बोमोई के नाम पर मोहर लगी। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर बसवराज बोमोई है कौन जिनको कर्नाटक की कमान सौंपी गई है। बसवराज बोमोई सादर लिंग्यात समुदाय से आते हैं, साथ ही वो बता दें लिंग्यात समुदाय से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के करीबी भी माने जाते हैं। बता दें उनका ताल्लुक कभी जनता परिवार से भी हुआ करता था। साथ ही उनके पिता एसआर बोमोई भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। बता दें बसवराज बोमोई 2008 में ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और उसके बाद 2008 से ही लगातार वो पार्टी में ऊपर ही चढ़ते चले गए। वहीं ये पहले राज्य सरकार में जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल के साथ बोमोई ने की थी। इसके अलावा बोमोई पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं और अपने करियर की शुरुआत उन्होंने टाटा समूह से की थी। वो दो बार एमएलसी और तीन बार बोमोई बता दें विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा साल 1998 और 2004 में धारवाड़ स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक विधान परिषद में भी वो रह चुके हैं। साथ ही बीजेपी में शामिल होने से पहले एचडी देवगौड़ा और रामकृष्ण हेगड़े सहित कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भी वो काम कर चुके हैं।
तो बता दें पिछले काफी लंबे समय से ये चल रहा था कि बीएस येदियुरप्पा अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि 26 जुलाई को ही कर्नाटक सरकार के बीएस येदियुरप्पा के 2 साल पूरे हुए थे, उसी दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उससे कुछ दिन पहले वो दिल्ली भी पहुंचे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी। हालांकि कहा जा रहा था कि तभी यह तय हो गया था कि बीएस येदियुरप्पा इस्तीफा देंगे। उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो कई नाम आगे चल रहे थे, लेकिन कल बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया कि बोमोई को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और आज सुबह 11 बजे उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। चार का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।